और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल छट जाने और हवा का रुख लगातार उत्तरी बहा रहने की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। ऐसे में रात में जहां ठिठुरन बनी हुई है, वहीं दिन में भी सर्द हवाओं के कारण सिहरन बनी हुई है। इसी के चलते ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, रीवा और शहडोल संभागों में शीतल दिन की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को भिंड, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, सिवनी में तीव्र शीतल दिन रहा। इसी तरह से रायसेन, गुना, अशोकनगर, मुरैना, छतरपुर, सीधी, दमोह, जबलपुर, शहडोल, शाजापुर और नीमच जिलों में भी शीतल दिन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार की सुबह ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर, गुना, उज्जैन संभागों के सभी जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना और टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता पर भी फर्क पड़ा, जो कि 50 मीटर से भी कम रही। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वही बात अगर उमरिया की करें तो वहां 4.7 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव, खजुराहो में और दतिया में करीब 5 और गुना में 5.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी भोपाल में भी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। साथ ही ये पिछले दिन के न्यूनतम तापमान के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। और भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं। हालांकि विद्यार्थी विरोध जता चुके हैं, इसके बावजूद पीजी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं। आपको बता दें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं जारी हैं और इसी कारण राजधानी के कई कॉलेजों के बाहर विद्यार्थियों की काफी भीड़ उमड़ती देखी जा सकती है। किसी भी कॉलेज के बाहर विद्यार्थी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे। विद्यार्थी ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षा कक्ष में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा। विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही है और परीक्षा आयोजित होने से कई विद्यार्थी और प्रोफेसर कोविड संक्रमित भी पाए गए। ऐसे में बीयू की, बीएड और एमएड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि परीक्षाओं के लिए बीयू ने परीक्षा केंद्रों पर उनकी जो संख्या है वो अधिक रखी है। सभी केंद्रों पर परीक्षा सामग्री भेजी जा रही है। बीएड और एमएड के लिए भोपाल जिले में करीब 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं बीयू पीजी की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 150 परीक्षा केंद्रों पर जारी है। हर परीक्षा केंद्र पर 50% उपस्थिति के साथ ये परीक्षा ली जा रही है। इसमें करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से शुरू होने वाली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी ऑफलाइन हो जाएंगी। आपको बता दें कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया। तो वहीं विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय मंगलवार को होने वाली इस सुनवाई में इंतजामों की जानकारी साझा करे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं और इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की गई हैं, यानी कि परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में जाकर ही पर्चा देना होगा। परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं और इनमें कहा गया है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर अड़ा है। इस समस्या से इस समय परीक्षाएं ऑफलाइन कराए जाने का निर्णय लिया गया था और उस समय शहर में 100 से 150 मरीज रोज मिल रहे थे। आज हालात बदल चुके हैं, अब रोजाना 1,500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में शहर में उपचारित मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो संक्रमण और तेजी के साथ फैलेगा।